खैर तुम्हें इतना बैंक बैलेंस दिया है, जायदाद दी है, गाड़ी ली है, जाओ जाके अपना घर लो, ऐश से रहो, भाई सबको पता चले कि तुम कितने बड़े घर से आई हो। किन सोचो में घूमे आप? रिदा, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि आप मेरे लिए क्या कुछ कर सकती हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए रिदा, दरअसल रिदा मैं एक बहुत खुददार आदमी हूँ और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जानती हूँ मैं, मगर हुआ क्या है? रिदा, मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर वालों ने आपको जितनी कीमती चीज़ें दी हैं, जैसे गाड़ी, जायदाद, बैंक बैलेंस, स्विट्जरलैंड की टिकट्स, आप प्लीज़ वापस कर दीजिए। वापस कर दूँ मगर क्यों? जिशान, जो कुछ मेरे भाइयों ने मुझे दिया है वो मुझे मेरे पापा की तरफ से मिला है, और वैसे भी वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड? रिदा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी इन चीजों को देखता हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, और फिर मुझे बार बार इस बात का बताया जाता है, जतलाया जाता है कि मेरी और आपकी हैसियत में बहुत फर्क है, मेरी हैसियत आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं। सिशान, आप प्लीज ऐसा ना सोचें, ऐसी कोई बात नहीं है। शमीला भाभी तो जानबूझ के ऐसी बातें करती हैं। आप कहा होगा उन्होंने जानबूझ के, मानता हूं मैं, लेकिन रिदा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैं जब जब इन चीजों को देखूंगा, ये चीजें मेरी आंखों के सामने रहेंगी, तो मैं कर्क में रहूंगा। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब कुछ वापस कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं कर दूंगी, आपसे बढ़ के नहीं है सारी चीजें। अरे आप खामखा इतना सोच रहे हैं, हर लड़की अपने माँ बाप की हैसियत के मुताबिक जहेज लेकर आती है, ऐसी कोई बात नहीं है जिशान। आपको जहेज की जरूरत है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो हमेशा से ये बात सोचता हूँ कि जब माँ बाप अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी औलाद, अपनी बेटी किसी के हवाले कर देते हैं, फिर तो कुछ और देने के लिए बचता ही नहीं। प्लीज ये सब कुछ वापस कर दीजिए। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो वापस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये सोचूं कि भाई बहुत माइंड कर जाएंगे और मामा, अगर आप ये सब कुछ वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। ओ जिशान, आप रिश्तों में कंपैरिजन क्यों करते हैं? उनसे तो मेरा खून का रिश्ता है और आपसे दिल का। ना खून अलग हो सकता और ना ही जिस्म से दिल जुड़ा। लेकिन जब दिलों के रिश्तों में इज्तराब आने लगे ना, तो उन्हें दूर कर देना चाहिए। और एक बात कहूँ आपसे, शौहर की जो हैसियत होती है ना रिदा, बीवी को कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि उसी हैसियत में रहे। अब भेज देंगी ना वापस? सब लौटा दूंगी। मेरे लिए आप सबसे बढ़कर इन चीजों की कोई अहमियत नहीं मेरे सामने।